मिस्ट्री शॉप 10.0। तो फाइनली गाइज लीक निकल के आ चुकी कि हमारे सर्वर में आने वाला मिस्ट्री शॉप 10.0, जिसमें कौन से बंडल होने वाले हैं और कौन कौन से आइटम होने वाले हैं, इसके बारे में इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल्स देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। कैसे हो, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जबराट गेमर। तो फ्री फायर में आने वाला है मिस्ट्री शॉप 10.0, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में पूरी डिटेल्स देने वाला हूं और उसमें कौन कौन से बंडल होने वाले हैं और कौन कौन से आइटम होने वाले हैं, इसके बारे में इस वीडियो में मैं अच्छे से बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहें। और एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिए अगर मेरा वीडियो पसंद आता है। तो फाइनली गाइज मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ कि मिस्ट्री शॉप 10.0 का इंटरफेस कैसा रहने वाला है। तो मिस्ट्री शॉप में आने वाले हैं काफ़ी अच्छे अच्छे बंडल, तो देख लेते हैं मुझे इसमें कितना डिस्काउंट मिलता है। तो गाइज देखते हैं कितना डिस्काउंट मिलता है। ओ भाई, मुझे 84% का डिस्काउंट मिल गया है। तो चलिए इसको इंटर करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से बंडल है और कौन कौन से आइटम होने वाले हैं। तो भाई लोग, हमारा बंडल अपीयर हो चुका है और फीमेल बंडल भी अपीयर हो चुका है। तो हम लोग जो ये बंडल देख रहे हैं, मेल बंडल, ये तो हमें अभी के इवेंट में मिल रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये मिस्ट्री शॉप में आएगा, बल्कि इसके बदले कोई दूसरा बंडल आने वाला है। लेकिन फीमेल बंडल के आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है हमारे सर्वर में। तो ये जो आप अपने आइटम्स देख रहे हैं, तो ये आइटम में 3 वाउचर है जो कि कंफर्म आएगा ही, क्योंकि हर मिस्ट्री शॉप में हमारे 3 वाउचर तो ज़रूरी होते हैं और बैजेस तो होते ही हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये ब्राज़ील सर्वर का है, तो इसमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे चीज़ें हैं। लेकिन ये इंडियन सर्वर में नहीं आने वाला है, बल्कि ये ब्राज़ील सर्वर में आने वाला है। इसके बदले हमें कुछ नॉर्मल से इमोट्स और नॉर्मल से आइटम्स दिखने वाले हैं। लेकिन डिस्काउंट्स मुझे लगता है इस बार ज़्यादा देगा, क्योंकि पिछली बार डिस्काउंट में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर दिया था गरीना ने, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि इतना स्ट्रिक्ट करेगा। तो भाई लोग, जो आप बंडल देख रहे हैं, इसका प्राइस है 14.99। जो हमारे सर्वर में जो बंडल आने वाला है, उसका भी प्राइस कुछ इतना ही होने वाला है और हमें काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट में मिलने वाला है। तो ये आप आइटम्स फिर से एक बार देख लीजिए, कि इसमें काफ़ी सारे गन के स्किन के क्रेट है, तो हमारे भी में भी गन के स्किन के क्रेट आने वाले हैं। तो मैं इसे स्विच करता हूँ, जो कि मुझे फ्री में स्विच है। तो भाई लोग, मेरे आँख के आगे आ गया है इलाइट पास, जो कि हमारे सर्वर में भी आने वाला है, जो कि 100% मेरी गारंटी है कि हमारे सर्वर में इलाइट पास देखने को मिलेगा। और इस सर्वर में तो उसका प्राइस 600 है, डायमंड है, लेकिन हमारे में 499 रहेगा, क्योंकि हमारे सर्वर में इलाइट पास 100 डायमंड सस्ता है। और बात किया जाए कि हमारे सर्वर में और क्या क्या आने वाला है, तो आप देख ही सकते हैं कि ये जो 3 वाउचर हैं, ये तो पक्का आने वाले ही हैं। और साथ ही साथ हमें बैजेस और गन की क्रेट मिलने वाली है, और गन की कौन सी क्रेट मिलने वाली है ये तो कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन आप जो ये आइटम्स देख रहे हैं, इसी से कुछ मिलता जुलता हुआ हमारे सर्वर में भी आने वाला है। तो एक बार आप इस सर्वर की आइटम्स देख लीजिए और गेस करने की कोशिश करिए कि हमारे सर्वर में कौन कौन से आइटम आने वाले। तो गेमर्स यार, आप देख ही सकते हैं कि इस सर्वर में क्लू दिया गया है, तो हमारे सर्वर में भी हो सकता है कि क्लू कैरेक्टर हमारे सर्वर में आ सकता है, क्योंकि ये कैरेक्टर को काफ़ी बंदे ने नहीं लिया था और मिस्ट्री शॉप में आने के इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है। और जो ये आप रोवो पेट देख रहे हैं, इस मुझे नहीं लगता कि कुछ कोई पेट देने वाला है, बल्कि उसकी किसी की स्किन दे सकता है हमारे मिस्ट्री शॉप में। तो अपने डायमंड्स प्लीज़ सेव करके रखिए, क्योंकि इस मिस्ट्री शॉप में हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे डिस्काउंट मिलने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे आइटम मिलने वाले हैं। और मेरा बात किया जाए तो मैं इलाइट पास लूँगा और ये वाउचर्स लूँगा, और बंडल की मैंने अभी तक सोचा नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक बंडल देखा नहीं है। तो गेमर्स यार, इसकी कंफर्म डेट की बात कर लेते हैं। तो कंफर्म डेट तो अभी तक लीक निकल के नहीं आई है, लेकिन मैं अपने गेस से बता सकता हूँ कि ये हमें 25 या 26 तारीख को देखने को मिल सकती है, क्योंकि ब्राज़ील सर्वर में ये 24 तारीख को आने वाले हैं। तो अपने डायमंड को कम से कम रखें मिस्ट्री शॉप के लिए, क्योंकि अगर आपके अकाउंट में कम से कम डायमंड होंगे, तो मिस्ट्री शॉप में आपको डिस्काउंट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे और आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलने देखने को मिल सकता है मिस्ट्री शॉप में। तो अपने डायमंड्स को कम से कम रखिए, ताकि आप अपने मिस्ट्री शॉप में आने के बाद तुरंत से टॉप अप करके सस्ते में अपने कोई भी आइटम्स खरीद सकें और इलाइट पास भी ले सकें। तो भाई लोग, इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो क्या करो यार, सबसे पहले लाइक करो वीडियो को और सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।